आज हम कर रहे हैं ड्रामा कप स्पेशल फॉर रुसवाई और मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है वरदा। तुमने कहना था जो भी, जिनको कुछ लोग उनके बड़े फेवर में हैं और कुछ लोगों का तो बस नहीं चलता, जैसे मैं हूँ, कि पकड़ के झंझोड़ के पूछे वरदा क्या हो रहा है, आज बाद में कर लेना या बाद में बूमरैंग बना के ना सबके लिए डाल लेना, अपनी भड़ास वरदा के ऊपर से निकाल लेना। मेरी वाकई बहुत भड़ास निकलने की जरूरत है यार, मुझे बस मुझे वरदा से पूछना है कि उसको समीरा का दर्द क्यों नहीं समझ आ रहा है। ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको नहीं आता, पर वरदा का प्रॉब्लम ये है कि वरदा जगल कर रही है। एक एक उसकी ससुराल है जहाँ वो सबसे बना के रखने की कोशिश कर रही है, और एक उसकी माँ और उसका भाई है जिसको वो छोड़ नहीं सकती। आई मीन चाहे आई एग्री कि वो जो मेरी माँ और मेरा भाई जो भी कर रहे हैं वो गलत है, बट आप कैन यू लीव योर ब्रदर एंड योर मदर? अच्छा नो, मुझे जो मसला होता है ना वरदा के कैरेक्टर से, आई कुछ एक्सटेंड तक मैं समझती हूँ कि वरदा के माँ और भाई को वो नहीं छोड़ सकती। आई अंडरस्टैंड, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और इन द एंड मोहब्बत जो आपकी फैमिली की होती है वो बाकी चीज़ों पे हावी आ जाती है, लेकिन उसको तो ये एडमिट करने में भी बहुत टाइम लगता है ना कि वो गलत है। अगर वो सिर्फ इतना भी कर लेना कि बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग गलत हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं इसलिए मैं उनको थोड़ा सा, वो कॉन्स्टेंटली हमजा को भी यही बोलती है और बाकियों को भी बोलती है कि वो मेरे माँ बाप हैं मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। आई थिंक मैं अगर हमजा की जगह होती या एज एन ऑडियंस, मैं ये सुनना चाहती हूँ वरदा से कि वो गलत करें, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मैं उनका साथ एकदम से नहीं छोड़ सकती। जो कि आई थिंक एक इंसिडेंट जो आई थिंक दो एपिसोड पहले हुआ था व्हेन सलमान वाज कॉट विद पिंकी, उसके बाद वरदा ने ये स्टैंड वरदा ने एक्सेप्ट पहले नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, पर आई गेस उस वक्त वो बहुत कोशिश कर रही थी कि समीरा भाई की बात मान जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब मैं लोगों से पूछती भी हूँ या क्वेश्चन करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि समीरा वॉज अ हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल, सो फॉर समीरा टू एक्चुअली, जबकि समीरा ने बहुत कोशिश की है उस शादी को बचाने की, बट कहीं ना कहीं हम सबको लगता था कि ये इसने कहा है कि जॉब छोड़ दे, अच्छा अब छोड़ दे या कर ले। आई मीन इवन दो शादी क्यों की थी जब आपको पता था वो डॉक्टर है, इतना उसने पढ़ा लिखा है, वो क्यों ये करेगी। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि वरदा कुछ चीज़ें बहुत देर में समझ आती हैं, और ख़ास तौर पे उसको तब आती हैं जब चीज़ें उसके हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं या कुछ बहुत ऐसा होता है जो उसको, जैसे जब भाई पकड़ा गया पिंकी के साथ वो तब भी ये बोलती रही, उसने कहा कि मैं आइंदा नहीं मिलूंगी, पर वो तब भी बार बार इस बात को कह रही थी कि वो सिर्फ दोस्त है, बिकॉज वो बहुत सीधी बेवकूफ़ आप उसको कह सकते हैं कि शी डिड नॉट नो कि भाई वाज एक्चुअली हैविंग एन अफेयर विद हर, या वो हर किसी का अच्छा ही सोचने की कोशिश करती, कोशिश यही करती है कि घर में यहाँ मेरे जो पांच लोग हैं वो मुझसे खुश रहें, या और जो मेरे घर में मेरे माँ बाप मेरा भाई है वो मुझसे खुश रहें। अच्छा वरदा के कैरेक्टर के साथ मैं बॉर्डर लाइन होती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वाकई ऐसी जैसे तुम बोल रही हो कि बेचारी और मासूम, और लाइक यू नो ये पीपल जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं वो हर किसी का अच्छा सोचना चाहते हैं और उनमें इतनी करेज नहीं होती, या करेज नहीं, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते आउटराइटली कुछ कह के, या अपने जैसे अपने भाई के साथ करती है, या वो समीरा के साथ भी कभी कभी थोड़ा वो रखती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बड़ी मीसती है वरदा। नहीं मुझे भी कभी, खैर मुझे अगर मैं भी देखती तो मुझे भी यही लगता, जब वो नहीं बोलती भाई को कि सुबह से वो छोटी वाली नंद बीमार है, मुझे तो किसने बताया ही नहीं कि वो बीमार है, हाँ, जब वो शी टेक्स द पिल्स, हाँ, जी, तो तब आई एम लाइक कहाँ तो इतनी मासूम थी, कहाँ ये मियाँ को चाबी दे रही है। उस वक्त अगर आप सोचे तो वो सही था, क्योंकि सब उसको नहीं बता रहे थे, सब उसको एक अलग कॉर्नर कर रहे थे, वो तो नेचुरल रिएक्शन है, वो था, तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। जब उसके भाई, जब वो आई है और द हाउस हेल्प टोल्ड हर कि बाजी ने गोलियां खा ली हैं, तो क्या करती वो, और वो भाग कर उसके पास जाती, तो वो लोग तो उसको सब अलग कर चुके थे ना, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, जहां वेयर यू आर नॉट वेलकम वो वहां घुसने की कोशिश नहीं करती। हमजा उसकी एक एक इंसान है जिससे वो हर चीज बोल देती, तो उसने यही कहा हमसे क्यों छुपा रहे हैं, हम हमें बता देते तो हम हेल्प करते। ऐसा नहीं है कि उसका रुहिना का रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं था, समीरा और वरदा के रिलेशनशिप से ज्यादा स्ट्रांग रुहिना और वरदा का रिलेशनशिप शुरू से दिखाया है, क्योंकि वो आपस में, और शुरू में भी जब वो घर छोड़ के आती है समीरा के लिए इनके घर, तो वो तब भी रुहिना कहती है भाभी आपने बहुत अच्छा किया, सो इनका बॉन्ड अपना था, बट एज slowly she felt कि ये सब मुझे एक साइड पर करे, क्योंकि मैं सलमान की बहन हूँ,
आई मीन उसका कसूर तो नहीं है, वो सलमान की बहन है, और जो भी सलमान ने किया वो है गलती. आई एम श्योर शी कुड हैव चेंज्ड इट इफ शी वांटेड टू, बट अगेन जब आपकी माँ और आपका भाई आपको हर वक्त बता रहे हैं कि नहीं तुमने आना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, एक बंदा अपनी सोच नहीं लगा सकता, तो इस तरह गलत डिसीजन. इंटरेस्टिंग इनसाइट दी है मीना ने वर्दा के कैरेक्टर पे. तो अपनी सोच नहीं लगानी, एक लगाने का वक्त आता है. आज राबिया को मैं डिफेंड करके जाऊंगी वर्दा की, वर्दा सही है कि तुम मुझे आज जूते मार के ना निकालो और तुम ये ऐसी पोस्ट से निकालना बंद करो कि हर वर्दा की. एक्चुअली मुझे तो वो पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत कोई एटलीस्ट वर्दा को कोशिश तो करता है समझने की, कहीं ना कहीं कभी किसी पोस्ट में कोई ऐसी एक चीज होती है कि लगता है वर्दा बड़ी इम्पॉर्टेंट है. हम तो वर्दा पे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी हूँ मैं वर्दा से वैसे अभी तक. अच्छा मुझे चलो लेट्स अभी तो ये हमारी बड़ी जज्बाती सी और वो वाली कॉन्वर्सेशन हो गई, जंप्ड राइट इनटू इट. मुझे बताओ स्टार्ट कैसे हुआ सारा. तुमने अम्मी को अप्रोच किया रवीना अशरफ को कि मुझे करना है, उन्होंने किया, हमें मुझे ये स्टोरी जाननी है. सो एक्टिंग मैंने वनी से शुरू की थी, विच वॉज वन आई वॉज 16. उसके बाद मैं कॉलेज चली गई, वापस आते आते मैं एक बहुत बड़ा बलून थी. ओके. एंड देन टू गेट बैक इनटू शेप एंड यू नो कंटिन्यू दिस करियर, इट टुक मी अ व्हाइल कि मैं ये सब कुछ करती, वेयर आई लॉस्ट माय वेट एंड देन आई थॉट अब मैंने एक्टिंग करनी है. अब मैं एटलीस्ट किसी के पास जाऊंगी तो कोई तो नहीं मुझे बोलेगा बेटा टीवी पे बहुत मोटी आती हो, जाओ ज़रा मेहनत करके आओ. सो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग प्रोडक्शन कंपनीज जिनको मैं जानती थी. सो सिक्स सिग्मा, सिंस आई एम क्लोज टू ऑल ऑफ देम, दे नो मी हमेशा से. सो आई वेंट अप टू देम एंड आई सेड मुझे प्लीज़ आप कुछ दें करने को एंड स्टफ. इसी दौरान वो अम्मी को अप्रोच कर रहे थे रुसवाई के स्क्रिप्ट के साथ कि उनके पास है आप पढ़ लें. सो इट काइंड फेल इन टू प्लेस कि अम्मी ने कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया तुम वो पढ़ लो. उन्होंने भी आई एम श्योर दे ऑल्सो थॉट अबाउट इट बिकॉज नए लोग होते हैं सो द रिस्क इज़ हायर. दे काइंड ऑफ फेल्ट लाइक अगर ऑब्वियसली रुबीना अशरफ द डायरेक्टर शील हैंडल इट, तो उन्होंने दे ऑल्सो काइंड ऑफ गिव इट. सो इस तरह इट काइंड ऑफ ऑल फेल इन टू प्लेस. कोई ऑडिशन नहीं दिया? नहीं नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल. इट गॉट कन्फर्म अ फ्यू वीक्स लेटर. ए आर वाई आस्क्ड फॉर ऑडिशन. आई वेंट इन डिड द ऑडिशन, बट उनको बाद में पता चला कि मैंने वनी किया हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली शक्लें चेंज हो जाती हैं. तो उन्होंने कहा चलें ठीक है. इट काइंड ऑफ डिड नॉट हैव टू डू अ लॉट विद इट. तुमने पहला ड्रामा वनी किया था, ठीक है, उसके बाद गायब, ठीक है, अब तुम वापस आ रही हो इतनी बड़ी कास्ट के साथ. अब वापस आ रही थी सना, मिकाइल, उसामा, यू नो, बाकी अहमद साहब, यू नो, मतलब फुल इट वाज बहुत ही प्रेशर था, स्ट्रेस था कि यार मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, हाउ विल आई स्टैंड माय ओन ऑन माय ओन ग्राउंड. अच्छा सो सबके शूट पे मैं जरा थोड़ा सो हमने शुरू किया था महमूद हाउस से, मैं जरा 3-4 दिन लेट वाली एंट्री थी. सो मुझे याद है कि 2 दिन बाद अम्मी ने मुझे मैसेज किया कि आ जाओ सब तुमसे मिलना चाहते हैं. तो दैट्स वेयर आई मेट सना, नतालिया, उसामा, सीमी आंटी, अहमद. अच्छा अहमद अंकल को मैं बहुत पहले से जानती हूँ क्योंकि हम अम्मी और वो देव बिन फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा पहले से. तो वहाँ समहाउ इट काइंड वर्क फाइन. मेरी और सना की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी. मतलब वो बस एक ऐसी मीटिंग थी. उसामा और मैं बहुत बाद में जाके जरा एक दूसरे के साथ घुल मिले कि हम बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली उस वक्त नहीं थे, ना हम बातचीत करते थे, काम किया अपना. लाइक मैं उसको ये बोलती थी इस वक्त तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, लाइक पसंद क्या, मतलब मैं जानता भी नहीं था ना. पर दूसरे घर में जाने से पहले मुझे बहुत डर था मिकाल के साथ काम करने का. आई फेल्ट लाइक इतना बड़ा स्टार है ये, एंड व्हाट इफ मैं कोई 2 टेक से ज़्यादा लगाऊं. सो आई डोंट नो, जितना मुझे डर मिकाल के साथ काम करते हुए था, मुझे किसी के साथ इतना नहीं था. सो एंड इट वाज अमेजिंग व्हेन द फर्स्ट सीन आई डिड विद हिम, एंड वो तो नो स्टार टैंट्रम्स, वापस करें ऐसे कर लो. अच्छा मैं तुम्हें बताऊँ कैसे कर लो. अच्छा मैं ना तुम ऐसे कर लो. एंड हम सिर्फ घर आते थे मैं और अम्मा, और हम सिर्फ ये डिस्कस करते थे कि ये कितना कोई अच्छा इंसान हो सकता है. आई मीन इट वाज अमेजिंग. मैं आई थिंक मैं आई हैव टर्न्ड आउट टू बी अ मिकाल फैन आफ्टर रुसवाई. लाइक आई वाज, बट आई जस्ट फील लाइक एक अच्छे इंसान को देखकर जितना मैं उनकी फ़ैन बनी हूँ, मैं
किसी के साथ इतना तुम्हें उन्होंने बहुत काम डाउन भी किया और बड़ा हेल्प की कि कर सको बहुत दिस एटीट्यूड बिल्कुल और सबसे ज्यादा हेल्प मुझे जिन्होंने ने मेरी अम्मा का रोल प्ले किया है उन्होंने किया आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू एक वो और एक उसामा सो हम वो मेरे साथ कहती थी आ जाओ फोन रखो चलो आ जाओ सीन रिहर्स करेंगे कोने में ले जाकर हमने आगे आएंगे वो सीन्स जिसमें हमने बकायदा बैठ के वीडियोस देखी हैं उन इंसिडेंट्स की उन चीज़ों की और हम वो कहती थी अच्छा ये देख रही हो और हम फील करते थे और हम वो करते थे आई मीन उन्होंने तो मुझे उंगली पकड़ा के काम मुझसे करवा लिया बिकॉज वो इतना हमारा रिलेशनशिप जो था वो एक्चुअली बिकेम मदर डॉटर शी वॉज सो प्रोटेक्टिव अबाउट मी कि मिना तुमने ऐसे नहीं करना तुमने ऐसे करना है दूसरी तरफ उसामा था आ जाओ चलो प्रैक्टिस करते हैं ये तो करते कभी कभी इरिटेशन ही हो जाती थी क्या है यार मुझे नहीं करना मैं बैठ के अपना चिल करना चाह रही हूँ फिर मुझे पढ़ने ले जा रहे हैं आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम वो था जब मैं सुबह सुबह सेट पे जाती थी और सबसे एंड में आती थी क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता था हर किसी के साथ बिकॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल एंड यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम Everybody is like an institute of themselves. Yeah. Ko Ahmed uncle koi aur baat batayenge, Simi aunty koi aur baat batayegi. You'll get to learn different from the new people. Har koi kuch naya sikha raha tha. I mean, aap soch sakte ho someone like Usman Pirzada, wo itna I mean, look at him, he's a legend. But you think ki koi aur naya actor ya actress hoti usko bhi itna hi haatho haath liya jata या ये रुबीना अशरफ का कार्ड था जिसकी वजह से आप हर जगह देखिए कुछ लोगों को तो पता था कि मैं रुबीना अशरफ की बेटी हूँ अच्छा। उस सेट पे आधी शूट तक कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं पता कौन? था नाम चाहिए सो एक दिन बहुत दिनों से मैं हम लंच हम सब साथ करते थे ठीक है तो मैं हर वक्त उस्मान अंकल बैठे होते थे इरसा आंटी बैठी होती थी मैं होती थी हम तीनों के सीन्स जब तो मैं कहती थी वो कहते थे आओ बेटा खाना खाओ तो मैं उन्हें कहती थी कि नहीं अम्मा आ रही हैं मैं खाना उनके साथ खाऊंगी बात ख़त्म हो जाती थी तीन चार दिन हो गए वो मैंने फिर वही बोला अम्मा आ रही हैं फिर खाना शुरू करते तो उन्होंने मुझे बेटा ये कौन सी अम्मा है तुम्हारी जो आकर ही नहीं दे रही मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हारी अम्मा को देखूँ कि किस अम्मा जी किस अम्मा की ज़्यादा कह रहे हैं जी और इरसान जी ने कहा ये रुबीना की बेटी है ओह माय गुडनेस एंड दिस हैपेंड Around halfway through when we shot, oh. उनको नहीं पता था क्योंकि नहीं पता था आई थिंक मिकाल को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला क्योंकि यूजली लोग पूछते हैं मेरे ऑपोजिट कौन है ठीक है सो ऐसे जब हमने महमूद हाउस की शूट शुरू की वरदा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वरदा उनके घर का हिस्सा थी सो एवरी वन वॉज लाइक कौन है भैया वरदा कौन प्ले कर रहा है सो दैट्स वेन उस घर में उन्होंने पूछा जी आपकी ये एक फैमिली तो किसी ने पूछा नहीं कि वरदा कौन प्ले कर रहा है सो उनको नहीं पता था इरसा आंटी न्यू मी बिकॉज अम्मी और वो हमेशा से काम करते हैं मिकाल आई डोंट नो मे बी ही जस्ट फाउंड बिकॉज मैं उनको अम्मा ही बोलती हूँ तो पता चल गया तो आधे वक्त तक उस्मान अंकल को पता ही था बेटा ये अम्मा कहाँ है कहाँ कब आएंगी तुम्हारी अम्मा सो इट वॉज लिटिल लाइक दैट और बस सब फिर आई थिंक इट्स इन अ वे इट्स गुड ऑल्सो क्योंकि हाँ सब शायद आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं बट आई फील लाइक जब आप किसी और के साथ भी काम करते हैं तो उनको भी हेल्प करते होंगे आई डोंट नो मैं किसी और के लिए कह नहीं सकती मुझे सब ने बहुत हेल्प की थी एक बेबी बनाकर हर कोई जो मेरे लिए कर सकता था उन्होंने किया अच्छा ड्रामे में जिस तरीके से वरदा बोल रही है वो डिफरेंट है जिस तरह आप बात कर रही हैं क्योंकि वरदा तो वो एक एक सोचा समझा सोचा इट इज अ कैरेक्टर इट वाज लाइक आई प्लान टू बी लाइक दैट बट बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्टाइल बट इट पर लोग कहते हैं कि जवाब दें अभी वरदा से ही बात करके मुझे जवाब दीजिए लाइक इरसा जिस तरह बात कर रही है वो तो उनका कैरेक्टर वो तो उनका कैरेक्टर मैंने कैरेक्टर नहीं मुझे सिर्फ शुरू से ये हम जब डिस्कशन करते थे तो वो बोलते थे कि वरदा एक बहुत धीमे मिजाज वाली लड़की है सो मैंने सिर्फ सोचा कि लेकिन वो स्टाइल आ गया है वरदा का एक बोलने का खास स्टाइल है अच्छा वो अभी नहीं है हाँ, वो अभी नहीं है वो आ जाएगा जैसे ही मुझे किसी से वरदा बनी जी हाँ जी वरदा तो फिर वो वरदा आपने सोच समझ के स्टाइल किया था या हमजा को पटाने के लिए आपने किया था वो मैंने ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की थी मुझे सिर्फ हमजा पसंद आ गए थे और कोई बात नहीं थी सो वो एक सिर्फ ये था कि आपने ऊपर से नहीं आना आपने वरदा एक बहुत बैलेंस्ड इंसान थी और जो बहुत धीमे बात करती थी अच्छा तो आपको पता है ना कि हाँ नेशन तो डिवाइडेड है हाँ आप भी डिवाइडेड हैं नहीं मैं आप तो टीम वरदा नहीं है मैं टीम वरदा नहीं हूँ मैं टीम समीरा हूँ बिल्कुल मैं भी टीम समीरा मिना टीम समीरा है
एक्सपेक्ट कर रही थी तुम कि ऐसा होगा कि देखिए जब हम पोस्ट निकालते हैं ना, मैं लिखती हूँ कुछ या हमारी टीम लिखती है कि वर्दा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम सोचते हैं कि नीचे लोग बोलेंगे यस, लाइक्स बहुत आती हैं, ठीक है 2,000-3,000 लाइक्स, लेकिन कमेंट्स डिवाइडेड होते हैं. दे आर पीपल जो समीरा को कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं वर्दा सही है, आप लोग गलत बोल रहे हैं. तो मुझे बड़ा मेरे लिए बड़ा शौक था, मैं भी वो पढ़ती हूँ. वाओ, एंड पैशन, बड़े पैशन से आपको डिफेंड किया जाता है. आई गेस बिकॉज कुछ लोगों को वर्दा की सिचुएशन समझ आ रही है. शायद ये वही लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो हर किसी की बात में आ जाते हैं या नहीं सोचते अपने अपने लिए इतना ज़्यादा, दूसरों के लिए सोचते हैं. वेयर एज बहुत लोग हैं जो समीरा के साथ खड़े हैं, उनको लग रहा है कि जो किया है गलत किया है. आई डोंट नो वो क्या चाहते थे. वो अगर फॉर इंस्टेंस इवन अगर वर्दा छोड़ देती अपने माँ बाप से बात करना, चीज़ें फिर भी चेंज नहीं होती अगर सोचा जाए. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, चलें आप सोचें कि वर्दा ने कह दिया कि अब मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूँगी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सलमान विल फील द सेम वे अबाउट समीरा. नहीं, वो ये नहीं होता है. नहीं, वो ना? तो नहीं होगा डेफिनेटली. बस सिर्फ ये सलमान ने तो, सलमान की तो एक और ही बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो तो समीरा से सलमान का शादी करने का, ठीक है, एहसान भी नहीं उसका एक ईगो है और बहन के लिए, बिल्कुल बहन के लिए. और फिर उसके बाद कुछ समीरा के अपने इश्यूज भी थे बिकॉज शी इज अ रेप सर्वाइवर, तो वो भी उनकी शादी में कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल थे. लेकिन जो ये बात है ना कि अगर वो वर्दा को चेंज भी कर लेती, दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये कि जो हक की बात है वो हक की बात तो कहनी चाहिए, वरना हक की बात लोग कहना मना कर देंगे और फिर जहाँ फ़र्क पड़ेगा वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. और दूसरा ये कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हमजा और ससुराल वाले और समीरा, उनको एक दिल से थोड़ा सा एक कम्फर्ट हो जाती, क्योंकि वो होता है ना कभी कोई आपके लिए कुछ करे नहीं, लेकिन आपको दो बोल मेहरबानी के बोल रहे अच्छी बात कोई. तो मे बी दैट्स व्हाई हम जैसे लोग, डिड यू सी इनिशियली हमजा वुड टेल हिज पेरेंट्स कि वर्दा जा जाके आपके लिए वहाँ लड़ती है. और वर्दा ये करती थी, वर्दा घर गई और वर्दा ने भाई को बोला कि आए और उसको लेकर जाए. मुझे लगता था कि वर्दा ने ना कभी प्रॉब्लम को बेसिक नहीं हैंडल करने की कोशिश की, बट खैर वो एज वी आर डिस्कसिंग वर्दा का कैरेक्टर ही ऐसा है. बिल्कुल हाँ, उसने बस ऊपर ऊपर, क्योंकि वो शायद लगता था कि वो अपनी अपना रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बस आप घर ले आए ताकि मेरी जिंदगी तो आराम से गुजरे, क्योंकि उसके साथ भी तो उतनी. अगर आप एक इंसान, मेरा ये ख्याल है कि जो हुआ समीरा के साथ वो सही नहीं था, पर आप सोचें कि वर्दा जिसका कोई कसूर नहीं था, उसने कितने अरसे तक ये बात सुनी कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से. और उसने एक दफ़ा अब्बा को ये बात कही भी कि मैं एहसान रोज़ नहीं उतार सकती आपका. सो आई गेस ये वो बात है जिसकी वजह से पीपल डू रिलेट, बिकॉज आई रेड इट इन वन ऑफ, किसी ने एक बहुत अच्छा कॉमेंट किया था और लिखा था कि सही है ना, इंसान की भी हद होती. लेकिन वर्दा की अपनी, वर्दा के अपने एक्शंस ऐसे थे ना जिसकी वजह से उसको ये बात सुननी पड़ी. इवेंचुअली वो शुरू से ही एक सॉलिड खड़ी होती. वो ही बात है जिसने बोला लोटा कभी, जैसे पहले तो घर छोड़ के आ गई पूरा, ठीक है, पहले तो वो बिल्कुल पूरा तो घर छोड़ के आ गई, लाइक वाओ वर्दा दैट्स द वे टू गो. बट वो भी हमजा की मोहब्बत में, वो बिल्कुल, फिर उसके बाद हमजा के पीछे पागल है. हाँ, तो सी हम लोग भी फिर समझते हैं ना उसकी इंटेंशंस को, वो समीरा के लिए वाकई खड़ी नहीं हो रही, तो इस वजह से शायद हम ये करते हैं. बट इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, हम दोनों तो कभी बात ही नहीं खत्म करेंगे. थोड़े से हफ्ते और मे बी शायद. अब तो आई फील बैड फॉर वर्दा, जो अब शायद कुछ होने वाला हो तो लेट्स सी. अच्छा मुझे ये बताएं, रबीना शेफ, योर मदर वॉज डायरेक्टिंग इट जी, तो वट एवर जो भी सेट पे हुआ, ड्रामा खत्म हो गया वो तो, लेकिन जब शुरू हो रहा था तो दिमाग में क्या चल रहा था कि अम्मी है, अम्मा है तो आसान होगा, अम्मा है तो डांट ज़्यादा पिटेगी, अम्मा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा कि मैं अच्छा परफॉर्म, सब चल रहा है, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी अबव आपने लिखे सब सब, बिकॉज प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, बिकॉज अब मैं नहीं हूँ, मुझे अगर लगेगा टाइम लाइन ठीक नहीं हुई या कोई एक्सप्रेशन ठीक नहीं आएगा, डायरेक्टर तो बोलेगा वापस करो, पर जो अगला बंदा खड़ा है उनका क्या कसूर है. सो ये सबसे बड़ा डर था कि ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लोग अपना काम करते हैं चले जाते हैं, बट अम्मा के लिए, मेरे लिए, दे वुड स्टैंड देयर, गिव अस क्यूज. हम सब एक दूसरे को बहुत क्यूज देते थे, सब करते थे. सो कभी कभी मुझे होता था कि ये मेरे वजह से इतना वेट कर रहे हैं, तो ये प्रेशर तो था. डांट की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि पहली बार डांट पड़ी तो क्या है, थोड़ा सा हुआ फील, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ये मुझे मेरे काम के लिए ही डांटेंगी. उन्होंने कैसे हेल्प की तुम्हें एक्टिंग में बेहतर करने में, अच्छा परफॉर्म करने में, टिप्स देती थी, वापस घर जाके तुमसे डिस्कस करती थी, देखो ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते थे, या शुरू में कुछ गाइडलाइंस दी उन्होंने. सो हम जब बहुत
जो हमारे मुश्किल और हैवी ड्यूटी वाले सीन्स होते थे, मी एंड हर वुड एक्चुअली सिट एंड डिस्कस देम बिफोर. सो मेरे पास ये लेवरेज बिल्कुल था. आई वाज अ बिट फॉर्चुनेट विद दिस कि हम पहले बैठ के, वो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारा वो वाला सीन होने वाला है, मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे साथ ज़रा एक दफ़ा कर लो और ये ज़रा मुझे करके दिखा दो कि कैसे करना है. सो जब हम वो, आई थिंक जब हमने शुरू में 2-3 दफ़ा वो किया तो उनको थोड़ा सा हो गया कि हाँ इसको मेरी बात समझ आ रही है. बहुत दफ़ा होता था वो मुझे कहती थी ये एक्सप्रेशन नहीं सही, तुम बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ब्लैंक को वापस करो, फील करो इसको, ऐसे करो. फिर कोई और बता देता था कि इसको ज़रा ऐसे कर लो, तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है. बिकॉज आप विद रुस्वाई, वन थिंग वॉज वी शॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 9 months. अच्छा, रुबीना अशरफ मेरी बड़ी फेवरेट होती थी, है, मैं उनके ड्रामे इतनी क्रेजी तरीके से देखती थी. कितना प्रेशर है टू लिव अप टू हर रेपुटेशन? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, बट आई मीन आई विल नेवर बी एबल टू मैच अप टू दैट लेवल. आई मीन लुक एट हर, शी इज़ इन्वेस्टेड 30 years ऑफ हर लाइफ. तो मैं तो कभी भी वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो अल्लाह की. बोलते हैं कभी कॉमेंट्स आते हैं फैंस के या कुछ? हाँ, बहुत दफ़ा लोग लिखते हैं कि माँ इतनी अच्छी एक्टर है, बेटी इतनी फजूल है. तो लिखते हैं लोग तो हमारे यहाँ बहुत बुरे बुरे, बट आई समहाउ फील लाइक कि वो दे नेवर हर्ट मी. तो अब ये टीम समीरा और टीम वर्दा जो बन गई है, उस पर तुम्हारा और सना का कुछ चल रहा होता है आपस में? हम जब भाई की शादी का वक्त आया, सो मैं और सना कोई बात हुई थी तो मैंने सना को कहा कि भाई वो लोग बड़े अपसेट हैं कि तुमने अब्बा से ऐसे बात की. तो उसने मुझे कहा पर अभी तो तुम्हारी बारी आने वाली है. तो मैंने कहा कौन सी बारी, मैं भूल चुकी थी कि अभी तो तुम भाई की शादी में जाओगी. तो मैंने अगले सोचा, मैंने कहा ये तो बहुत सही बात कह रही है, ये तो हो सकता है, अब तो आ सकता है. एंड आई एम श्योर लाइक जो भी है, समीरा को कभी ऐसी बैशिंग नहीं मिली. लोग डिसएग्रीमेंट्स थे पर कभी वो कुछ बुरा नहीं कर रही थी. ये वर्दा बुरा करने जा रही थी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी. सो मैंने अम्मा को भी बोला, आई वाज लाइक कि अम्मा मुझे बहुत डर है कि लोग मुझे बहुत सुनाएंगे, मैं तो कमेंट्स खोलना ही नहीं चाहती. अम्मा ने कहा हाँ बट लाइक करोगी तो आगे चलेगा ना, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि तुम कुछ नहीं करोगी और यू ऑल ऑफ दैट स्टफ. खैर ये सब कुछ हो गया. अब मैं 3 दिन तक बैठी हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी. मैं बाहर निकली तो मुझे, और ये ज़्यादातर होता है जब आप कोई डॉलमन वॉलमन जाओ तो औरतें आपको बहुत सुनाती, मैं कहीं नहीं गई. तीसरे दिन आई वेंट टू द सैलॉन and a lady comes up to me and she's like sahi kiya. Like, kya sahi kiya? Pehle to main sochti hu ki pata nahi kya baat kar rahi hai. I was like ji main samjhi nahi. Achha kiya bhai ki shaadi mein chali gayi. I was like ji aap ye kyu bol rahi hain? Dekha nahi Sameera ne piche abba se kitni badtameezi ki, tumne bhi sahi kiya. For a second I was like ye aunty theek nahi hai. Uske baad I started reading comments and stuff and people did not bash me for it. I was expecting लिटरली कि मेरे तो कोई धजियाँ ही उड़ा दी जाएंगी, बट समहाउ लोगों का फोकस ही मुझ पर नहीं हुआ. मैं कहीं भी जा रही थी कोई बोल ही नहीं रहा था, आई गेस क्योंकि वो जो उससे पहले वाला अब्बा और समीरा का सीन था वो इतना पावरफुल था कि पीपल, जो लोग उन्हें कुछ बोला तो लोग डिफेंड कर रहे थे. हाँ, जैसे उन आंटी ने बोला कि नहीं नहीं सही किया. फिर तुमने सना को एक कॉल की? तो नहीं भी, उसके बाद हम पता नहीं, आई थिंक हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम नहीं कर सके. पर उसके बाद मैं अब उसको ये बताऊंगी जरूर. हाँ, कि मेरी नहीं हुई. तुम फिर फंसी, तुम फिर फंसी, तुम फिर फंसी. बट आई एम श्योर ये तो चलता ही रहेगा कि कोई टीम समीरा होगा, कोई टीम वर्दा होगा. सो इट्स फाइन. माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट. जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था मुझे वर्दा का कैरेक्टर मुझे नहीं लग रहा था कि मेन इतना होगा, और हम सबको यही था कि समीरा होगी. But the way it has developed, अब तो आंखें वर्दा और समीरा के साथ वर्दा पे भी हैं कि वो क्या करेगी. तो एक तो कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, रियली डन अ ग्रेट जॉब. इट्स रियली नॉट माय एफर्ट, इट्स एवरीथिंग टू डू विद. नहीं बट ये भी हम्बल होना बड़ा होता है कि आप नहीं, इट इज बिकॉज मैं, आई नेवर वेंट टू एक्टिंग स्कूल, आई डिडंट डू दिस. मैंने जो किया वो मैंने देख के किया, अपने बड़ों से देख कर, अपने बड़ों से डिस्कशन करके. आई एम रियली ब्लेस्ड दैट अम्मी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर इन द सेम फ्रेटर्निटी. तो जिनको मैं देखती थी वो मुझे बताते थे मूवीज़ देखो, एक्सप्रेशंस रीड करना सीखो. बहुत एक्सप्रेशंस क्या है इस वक्त? बहुत कंफ्यूज लग रही हूँ, मुझे दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल हैं मुझसे, और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. बिल्कुल सही कहा, आई एम इम्प्रेस्ड. आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड, सो लाइक दीज आर थिंग्स लाइक वो मुझे बताते थे, मूवी देखे, एक्सप्रेशंस रीड करना सोचे. सो इवन दो लाइक आई डोंट बहुत ज्यादा, आई वुडंट पिक, बट आई डू दैट, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी.
तो बस ये वो कर करा के अम्मी ने जो मुझसे करवा लिया वो करवा लिया, इट वाज हर. अब वो यही कहती है तुम्हारे लिए तुम्हारा असल टेस्ट तो अब शुरू होगा ना, व्हेन देयर विल बी अनदर डायरेक्टर. या बिकॉज इट्स डिफरेंट, वो तो कर रही थी, यू नेवर नो द नेक्स्ट टाइम अराउंड समवन विल नॉट पे अटेंशन टू मी एंड इट विल बी ऑल माय सेल्फ. तो हो सकता है उसके बाद रुबीना जो है आके तुम्हें बोलेंगी, मैं तो बाद में बोलूंगी पहले रुबीना बोलेंगी तुमने सीन में क्या किया था, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था. और ये बहुत बड़ा एक डर होता है कि आप घर पे आके क्रिटिसाइज हो रहे हो और आप वापस जाके उसको दोबारा रीशूट भी नहीं कर सकते. इसमें तो हम फिर भी बोल देते थे कि प्लीज एक दफा और कर ले, मुझे लग रहा है मैंने वो ठीक नहीं किया, हम ठीक कर सकते हैं, या कितनी दफा हम डिस्कशन करते थे ये लाइन नहीं थी. But I really think you are giving too much credit to other people and अपने आप को कम दे रही है. But I think you will be fine inshallah and I love to see you in a different role. सबसे मुश्किल सीन कौन सा था शूट करना? मेरा वो अभी आएगा. अभी आएगा. अभी क्या मुश्किल थी उसमें? हम बात नहीं कर रहे सीन के लिए, बट लाइक व्हाई वाज इट अ चैलेंज फॉर यू टू डू? बिकॉज़ द सिचुएशन इन दैट सीन, वो एक ऐसी सिचुएशन है. नहीं बट मतलब एक्सप्रेशन देने में मसला हो रहा था, डायलॉग देने में मसला हो रहा था, उस जगह को फील करने में मसला हो रहा था. बिकॉज़ मैं कभी उस जगह जाना नहीं चाहती या उस फीलिंग को कभी फील नहीं करना चाहती. लेकिन वो तुम्हें करनी पड़ी. वो मुझे करनी पड़ी और उस करने के लिए मुझे अपने आप को किस तरह वहां तक ले जाना पड़ा. तो उसको काफी दफा टेक किया? कौन काफी दफा? काफी लंबा शूट हुआ क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो. काफी दफा हुआ बिकॉज बाय द टाइम मुझे ये सीन जो था जिसकी मैं बात करी हूँ स्पेसिफिकली, ये मैंने बहुत पहले से पढ़ के अपने बैक ऑफ माई माइंड में था कि ये तो मतलब बहुत कुछ डिफिकल्ट होने वाला है. सो कैसे करना है? सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट एंड probably watching a lot of stuff to feel how those people feel. So it'll be very curious okay. So it was a lot of things and again meri amma jo thi asal amma ni jo meri ek hint le lu kya waqafat e amal hone wala hai nahi ha matlab ab main tumhe bata dungi to phir kya thoda sa hint de do mujhe bahut curiosity main koi bahut pakki hu mujhse har waqt log poochte end mein kya hoga aur main unko aisi aisi endings bata chuki hu. Acha Usama and you, how was the chemistry? How long did it take? Because you said initially to bas hum apna apna scene karke chale jate the, phir kya hua, kaise hua? Thoda sa I think थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर लड़कियों के लिए. डिफिकल्ट शुरू में इतना कोई रोमांटिक से सीन करना? नहीं, रोमांटिक सीन्स शुरू में बिल्कुल नहीं किए थे. दे ऑल ऑफ देम हैपेंड अ व्हाइल आफ्टर. शुरू में हमने सिर्फ वो जो फैमिली वाले सारे सीन्स थे, तब तो आसान था कि कोई भी इसको कुछ भी बोल दो. मतलब वो ज्यादातर और उसने वही था, वरदा ज्यादा बोल नहीं रही तो इतना ज्यादा नहीं है, या वरदा डांट खा रही है. वो जो सारे बाद वाले सीन्स थे वो हमने एक्चुअली बहुत बाद में किए थे, जब तक हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी. सो इट टुक अस सम टाइम बट आई थिंक ओवर फूड, ओवर कॉन्वर्सेशंस, हमारी बहुत जो है, अब तो मैं इसको अपनी सहेली बोलती हूँ तो मेरी कोई फेवरेट सहेली है. एंड आई ऑलवेज टेल हिम दैट आई एम सो ब्लेस्ड दैट इट वाज यू हु वाज डूइंग हु वाज प्लेइंग हमजा. बिकॉज कोई और होता तो वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. बट ही वुड ट्राई कि ये मेरा सीन नहीं है, ये हमारा सीन है. That's a big thing. And that's a really big thing. कोई नहीं करता, सब अपने सीन पे फोकस करते हैं, अपनी लाइंस पे, अपने लुक्स पे. एंड लाइक इवन वन जब मेरी शादी वाला सीन था, एंड मेरे ख्याल से मैं इससे पहले तो कभी इस तरह तैयार नहीं हुई. एंड जब मैं तैयार होके आई थी तो ही सेड टू मी लाइक कहाँ से तैयार होके आई, तुम्हें क्या हो गया? एंड इट हेल्प मी बिकॉज ही टोल्ड मी लाइक इसको ऐसे ठीक कर लेते, इसको ऐसे, बिकॉज इट वॉज लाइक दैट. बिकॉज इट वॉज जस्ट वजेंट कि ये बुरी लग जाए मैं अच्छा लग जाऊँ. नहीं, हम दोनों को अच्छा लगना है, दोनों को एक दूसरे. इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर मी वरदा एंड हमजा का like couple is very strong and I would like to see them somewhere else also, you know? So I don't know, let's see if people really like them, but I guess logo ko acha lag raha hai Warda Hamza combo. Sabse best comment, fan comment, aur sabse worst fan comment kaun sa koi hai that you can share? Worst to yahi tha, no ammi itni achhi actress hai, beti itni fazool hai. So not worst, but I mean they have their opinion. But best comment, मुझे अच्छा लगता है जब लोग वरदा की धीमे आवाज़ और बहुत comments ऐसे होते हैं कि आई लव द वे यू टॉक. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत monotonous ना हो जाए, पर लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है. एक वरदा की खासियत बन गई है शायद. So unknowingly वो एक वरदा का लाइक कहीं से भी मैं सुनूंगी तो पता चलता है कि वरदा बात कर रही है. और पता नहीं लोगों को वो बहुत अच्छा लगा. तो जब भी मैं वो खोल के पढ़ती हूँ, जस्ट फील लाइक वाओ, लाइक अच्छा
तो फिर कुछ अच्छा किया ही होगा कि उनको अच्छा लग रहा है. सो इट्स नाइस. थैंक यू सो मच. नो थैंक यू. बहुत मज़ा आया और टाइम कम है क्योंकि हमारे ऑडियंस की रिटेंशन बड़ी कम होती है. सही बात है. हम और भी बड़ी गुफ्तगू करते और हम पूछते कि वर्दा के कैरेक्टर की और मीन मेक निकालते उसकी साइकोलॉजी को और समझते, लेकिन हम इस पे ख़त्म करेंगे और मे बी जब रुसवाई ख़त्म हो जाए हम अगेन आपसे मिले और फिर हम उस वाले सीन की बात. हाँ, फिर हम उस वाले सीन के फिर ये देखेंगे कि उस वक्त तक तुम्हारा दिल वर्दा के लिए पिघला है कि नहीं, ये मैं जानना चाहूंगी. हाँ, ये क्वेश्चन तो रहेगा उस वक्त. ये सवाल तुम्हारे लिए होगा कि आपका क्या ख्याल है. बट हम इंशाल्लाह विल डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू वंस यू हैव सीन दैट सीन. थैंक यू सो मच मिन्ना. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तुमने कहना था जो भी.